नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसे कि आप सभी ने आज का ये अद्भुत शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो आज का शीर्षक आप सभी को बताएगा जीवन में सफलता के चार ऐसे अद्भुत सूत्र जो कि आपको जीवन में अवश्य लेकर चलने चाहिए। और महाराज जी इन चार सूत्रों के विषय में आपको क्या जानकारी देते हैं, महाराज जी इस पर क्या कहना चाहते हैं, वे आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात करते हैं जीवन में गलतियों की। महाराज जी कहते हैं कि गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो भूलवश भी हमको नहीं करनी चाहिए। इस विषय में महाराज जी ने विस्तार से जानकारी दी है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो वे चार सूत्र आपके लिए बहुत ही सहायक होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जब भी आपसे कोई भूलवश यदि कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए जीवन में पश्चाताप कीजिए। पश्चाताप करने से आपको अपनी गलती का एहसास तो होता ही है, साथ साथ में आप अपने लिए समर्पित हो जाते हैं ईश्वर के प्रति। अब महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जब भी हमें आगे बढ़ना होता है तो उसके लिए स्वयं को आप मजबूत कीजिए। स्वयं को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही अद्भुत स्तंभ महाराज जी ने बताया है कि जीवन में सेवा कीजिए। जरूरतमंद लोगों की जब आप सेवा करना प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में आपको समर्पित होने का ज्ञान आपको ज्ञात हो जाता है। जब आप समर्पण से कार्य करते हैं तो आप अपने लिए बड़ा ही अद्भुत मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन जीवन में हम इसमें भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे सेवा का गुणगान करते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। सेवा सदैव निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करते हैं तो उस सेवा का गुणगान कभी भी नहीं करना चाहिए। जीवन में जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको सफलता से असफलता की ओर केवल यही कार्य ले जाता है कि आप अपने कार्यों का गुणगान, उसका बखान करना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ भाव से जब आप कार्य करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक तत्वों का स्वतः ही, यह सृष्टि की ओर से सकारात्मक तत्वों का आकर्षण आपके जीवन में प्रारंभ हो जाता है, जो कि सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यह पहला सूत्र है कि कभी भी ऐसी गलती मत करिए। कभी भी आप किसी के लिए सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करनी है, उसका बखान भूल कर भी नहीं करना है। अब दूसरा अद्भुत सूत्र है कि जीवन में देखिए, आज के इस भौतिक युग में हम सभी किसी ना किसी कार्यक्षेत्र से तो जुड़े हैं ही, उन कार्यक्षेत्रों में कभी भी प्रयास करिए कि कभी भी झूठ और अन्याय का साथ आपको नहीं देना है। महाराज जी कहते हैं कि हमें सदैव सच और न्याय का साथ देना चाहिए। इन सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों के जीवन में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन ईश्वर न्यायप्रिय लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते, इसलिए न्याय का साथ आपको सदैव देना है। महाराज जी कहते हैं कि हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर आप सत्य पर डटे रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। तो दूसरा सूत्र आपको यही सिखाता है कि जीवन में कैसे ही समय, कैसी ही परिस्थिति आ जाए, लेकिन सत्य का साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ना है। सत्य एक ऐसी अटूट डोर है जिसको यदि आप थाम कर रखते हैं तो स्वयं ईश्वर तक को बाध्य होना पड़ता है आपकी सहायता करने के लिए। तो इसलिए जीवन में इन तथ्यों का ध्यान रखना है आपको। ये दूसरा सूत्र आपको यही सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप कभी भी गलत का साथ जीवन में भूल कर भी नहीं देंगे। अब चलते हैं तीसरे अद्भुत सूत्र की ओर, जो कि आपको बड़ा ही ये जीवन में आपके काम आने वाला है। तो तीसरा सूत्र है कि मन में यदि जीवन में सफल होना है, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, महाराज जी ने इसके लिए भी एक सूत्र बताया है कि असमानता के भाव का त्याग आज से, अभी से करना चाहिए आपको। महाराज जी कहते हैं कि जो इंसान जीवन में असमानता का भाव रखता है उसे कभी सम्मान और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अमीर गरीब या ऊंच नीच का भेद मन में रखने वाले को कभी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता। आप चाहे कितने ही भले हों, लेकिन ये भेद यदि मन में रखते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद कभी आप तक नहीं पहुंच सकता। महाराज जी कहते हैं कि समाज में रहने वाले प्रत्येक जन एक समान है, सभी को ईश्वर ने अपनी दिव्यता से परिपूर्ण किया है, सभी में ईश्वरीय स्वरूप विद्यमान है। आगे महाराज जी कहते हैं कि सभी इंसानों के अंतर्मन में प्रभु श्री राम को देखिए।
अगर आप अपनी दृष्टि को, अपने भाव को बदलना चाहते हैं, बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम अपने मन के भाव को कैसे परिवर्तित करें, कैसे महाराज जी के समीप जाएं, कैसे हम उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, तो आज इस क्रम के माध्यम से इस सूत्र के माध्यम से आपके इस प्रश्न का भी उत्तर मिलने वाला है। महाराज जी कहते हैं कि सभी इंसानों के अंतर्मन में प्रभु श्री राम की छवि को देखिए, ईश्वर के स्वरूप को पहचानिए, इसके बाद आपको प्रत्येक जन से प्रेम हो जाएगा। इस पूरे समाज में आपका कभी कोई शत्रु नहीं होगा, समाज में आपको एक प्रिय दर्जा प्राप्त होगा जिसके लिए आप सभी ललायित रहते हैं, धन सबके पास आ जाता है, आपके पास सुख संपत्ति के साधन जरूर आ जाएंगे, एक अच्छा पद भी मिल जाएगा, लेकिन समाज में प्रिय दर्जा कभी प्राप्त होने के लिए आपको कुछ ऐसे अतुलनीय कार्य करने पड़ते हैं जिससे समाज में आपको एक अलग ही छवि प्राप्त होती है। तो यह उपाय, एक यह सूत्र आपको समाज में एक प्रिय दर्जा भी दिलाएगा। सृष्टि के हर पात्र से जुड़िए, हर पात्र से प्रेम करिए और असमानता के भाव को अभी से त्याग कर दीजिए, फिर आप देख सकेंगे कि ईश्वर ने हमें कितनी दिव्यता प्रदान की हुई है, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें इस धरा पर जन्म दिया है। मानव देह मिलना ही अनमोल रत्न के समान है, इसलिए इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें, अच्छी शिक्षाओं को अपनाएं। इसके अलावा चौथा अद्भुत सूत्र आपको बताने जा रहे हैं। चौथा अद्भुत सूत्र बड़ा ही आपको दिव्य लगेगा, बड़ा ही दिव्य आप इसको मानना प्रारंभ करेंगे, और वह है कि सदैव सदैव ईश्वर के प्रति आस्थावान आपको रहना चाहिए। जीवन में कैसे ही हालात आ जाएं, कभी भी ईश्वर के आश्रय को छोड़िए मत। हम सभी यही भूल करते हैं, हम सब यह भूल करते हैं कि भले ही हम कितने ही अच्छे कर्म कर लें, भले ही हम कैसे ही कर्म कर लें, अच्छे कर्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में यदि दुष्कर्म कर रहे हैं तो दुष्कर्मों का परिणाम, जैसा मैंने आपको कल के विशेषांक में बताया था, बुरे कार्य का बुरा ही नतीजा होता है, बुरे कर्मों का जो परिणाम है, जो दुष्परिणाम होता है, वे भले ही आपको देर से मिले, लेकिन अच्छी बात इसमें सीखने की यह है कि जीवन में यदि आप क्रमानुसार अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, भले ही उसका फल मिलने में समय लग जाए, लेकिन आपको ईश्वर के प्रति आस्था नहीं छोड़नी है। ईश्वर भी जैसे कहते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा ईश्वर समय समय पर लेते रहते हैं, अच्छे कर्म करने वालों की ईश्वर कड़ी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि अच्छाई को प्राप्त करना इतना ही आसान होता तो आज ये सृष्टि कैसी होती आप खुद सोच सकते हैं। तो इसलिए जब बहुत अच्छे कर्म करने के पश्चात भी फल नहीं मिल रहा हो, उस समय ईश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हैं, जैसे ही हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आती है तो हम अपने आप को आस्थावान और ईश्वर से जुड़ा हुआ ज़्यादा महसूस करते हैं। जो जन ईश्वर के साथ बड़ी घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं, वे मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उसी दौरान हमको ईश्वर की सबसे ज़्यादा याद आती है, ईश्वर का सुमिरन हम कष्ट में ज़्यादा करते हैं। तो हमें इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुरे समय में जब हम ईश्वर के समीप नहीं जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। इसको एक उदाहरण के स्वरूप में समझ लीजिए, एक अबोध बालक जो कि अपने माता पिता के इर्द गिर्द ना होने पर उनको पुकारने के लिए रोता बिलकता है, उसी प्रकार से हमारी भी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। जब हमें लगता है कि हम किसी कठिनाई से घिर गए हैं तो हम स्वतः ही ईश्वर को याद करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंतर मन में ईश्वरीय स्वरूप विद्यमान है स्वयं, इसीलिए ईश्वरीय वह स्वरूप अपने उस उच्च स्वरूप को याद करना स्वतः ही प्रारंभ कर देता है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आप पाएंगे कि आपको ईश्वर के प्रति बड़ा ही लगाव महसूस होगा जब आप कठिनाइयों में घिरे होते हैं, और एक अच्छी बात है। तो इसीलिए इस सूत्र के माध्यम से आपको यह भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको कभी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर सदैव आप पर नजर बनाए रखे हुए हैं। और यहां पर एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जितने भी अनन्य दर्शक इस क्रमांक को अभी देख रहे हैं उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वे विश्व शक्ति हमारे श्रद्धेय श्री महाराज जी हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि आपने सुना है कि जाके सिर तुम स्वामी सो दुख काहे को पाए, और जब आपके चरणों में ये मात हमने रख ही दिया है तो फिर घबराने की क्या बात है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, महाराज जी क्षण क्षण आपके साथ हैं, और आपको हर विपरीत परिस्थिति से निकालने वाले कोई और नहीं, हमारे महाराज जी ही तो हैं। तो इसीलिए आस्थावान बने रहिए। तो यह था चौथा और अंतिम सूत्र जो मैंने आपको बताया। ये चार सूत्रों को जीवन में उतार लीजिए,
कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सकती है। इन चारों सूत्रों को अपने अंतर्मन में, मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए और आप पाएंगे कि ये चारों सूत्र आपके जीवन के सफलता के चार मुख्य स्तंभ बन जाएंगे, जो कि महाराज जी ने बड़ी सरलता से हम सभी के लिए बताए हुए हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि यह क्रमांक आपके लिए अवश्य ही महत्वपूर्ण होगा। समय आता है प्रार्थना का। आज के इस क्रमांक से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा श्रद्धेय श्री महाराज जी के चरणों में कि महाराज जी हमारे सभी अनन्य दर्शकों के, इस सृष्टि के हर प्राणी के जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबको सद्बुद्धि दें, सन्मति प्रदान करें और सदैव ईश्वर के प्रति आस्थावान होने के लिए अग्रसर करें। इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।